मैं बिक्रम पटवाल वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए आज कलजे खाने में, जैसे कि मैं कलजे खाने में था आज पौड़ी के विधानसभा विधायक श्री मान्य राजकुमार पौरी जी यहाँ से अपने सांसद प्रतिनिधि के लिए भ्रमण कार्यक्रम के लिए निकले हैं, उनके लिए वोट मांगने निकले हैं। चलो उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। जैसे कि आज ये दौर शुरू हो चुका है, जन आंदोलन भी चल चुका है, दूसरी पार्टियां भी अपना वो प्रचार प्रसार में लगी है, तो आप लोग इस प्रचार प्रसार किस प्रकार से देख रहे हैं? जी, मैं सर्वप्रथम तो आपका और आपके चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि जब भी मैं क्षेत्र में आता हूँ तो आप मुझसे कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इस अवसर पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम सब लोग चुनाव के समर में चल पड़े हैं और इस समय सारे लोग अपने अपने प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी अनिल बलूनी जी भी अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ उनको पहुँच पा रहे हैं वो अपना प्रचार कर रहे हैं। उन्हीं के लिए हम सब लोग संगठन के नाते और जनप्रतिनिधि के नाते हम भी अपने क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैं भी सब जगह मैंने कार्यक्रम तय किया है। आज हमने पहला दौरा शुरू किया है कलचिकाल क्षेत्र से और मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ जहाँ भी हम जा रहे तो लोग अपार भीड़ के साथ में बड़ी खुशी के साथ में मुझे मिल रहे हैं और लोगों में पहले से ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारी पांचों सीट जाने वाली हैं। क्योंकि इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जहाँ भी लोगों के पास जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, लोग खुद ही कह रहे हैं कि हम मोदी जी को वोट देने वाले हैं। जैसे सर, ये बात तो सही है कि हर जगह में मोदी जी का नाम चल रहा है, लेकिन जैसे आप लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभा के आप प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, तो आपकी भी अपनी कुछ होगी, तो आप इस विधानसभा के लिए आगे क्या करना चाहते हैं, ये कलचिकाल क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं? जी, मैंने कलचिकाल क्षेत्र को अपना विशेष क्षेत्र मानता हूँ मैं कलचिकाल क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत सारा समर्थन मिला है और मैं विधायक जब नहीं था तब से मेरा आना जाना कलचिकाल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा था और मैं अपना जो चुनाव का आधार, जब टिकट भी मांगने की बात आई तो कलचिकाल को मैं ये समझता था कि मेरे पक्ष में ज़्यादा लोग हैं, तो इस आधार पर भी और मैंने अभी काम की, जहाँ तक जब से मैं विधायक बना हूँ तो मैंने भी जो योजनाएं दी हैं, मैंने कलचिकाल को वरीयता के आधार पर, प्रमुखता के आधार पर जो काम दिए हैं कलचिकाल से ही शुरू किए हैं। चाहे मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट बांटे हैं सामान बच्चों के लिए और आशा कार्यकर्ताओं के लिए, जो भी किट बांटी है कलचिकाल से ही शुरू किया है। जो भी निर्माण कार्य हुए हैं कलचिकाल में मैक्सिमम काम हुए हैं और जो PMJSY की दुनिया भर की योजनाएं हैं, ये जो सरकारी योजनाएं, उनका लाभ कलचिकाल में बहुत अच्छा मिला है। 5 सड़कें जो है PMJSY की टामलीकरण हो रही हैं, सब पे काम शुरू हो रखा है और गुणवत्ता के साथ काम हो रहा है। सर, एक बात और, जैसे कलचिकाल की आप बात कर रहे हैं, ये बांगट पुल काफी क्षतिग्रस्त था लेकिन अब लगभग बन गया, तो लेकिन उसके शुरुआत में लोग काफी परेशान है, तो ये कब तक शुरू चालू कर देंगे? इस संबंध में इतना कहूँगा कि उसका जो बीच में काम रुका हुआ था वो उसकी प्लेटें बाहर से मंगाई हुई थी तो उसके वजह से रुका हुआ था। मेरी बीच में भी मैं उधर भ्रमण गया था तो बिलखेत की तरफ, तब मैं उस बांगाट पुल को निरीक्षण भी किया मैंने स्वयं और अधिकारी से बात की थी, उन्होंने जल्दी उसको कंप्लीट करने का वादा किया है और निश्चित रूप से काम होने वाला है। मैं अभी फिर बीच में उधर से आया था, देखा कि उसमें काफ़ी काम हुआ और जल्दी वो बन जाएगा। मुझे ये उम्मीद है कि अब लोगों को जो है नदी के रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा, पुल जल्दी खुलने वाला है। और जहाँ तक विकास की बात है, आदरणीय मोदी जी ने जो जो काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति उसी तर्ज पे काम करता है, चाहे मैं हूँ चाहे और अन्य विधायक हैं और जनप्रतिनिधि, जो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, सबकी रीति नीति एक ही है, जो कहते हैं उसको करते हैं। तो जैसे कि आप आज चुनावी भ्रमण पर निकले हैं, तो चुनावी भ्रमण पर अपने विधानसभा के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, इस अवसर में अपने समस्त क्षेत्रवासियों को, क्षेत्र की जनता को यही आग्रह करूंगा और अपील करता हूं कि हमारे जो प्रत्याशी अनिल बलूनी जी, उनको अपना बहुमत देकर जो हमारी पौड़ी विधानसभा मैक्सिमम वोटों से विजय करके जो हमारे प्रत्याशी हैं उसको विजय बनाएंगे और जब ये विजय होकर आदरणीय मोदी जी के पास जाएंगे और उत्तराखंड की 5 सीटें हमारी जीत कर जाएंगी
सभी क्षेत्र की सीटें जीत के जाएंगे, जो हमारा नारा है कि 400 के पार, अब की बार 400 पार। तो 400 पार हम जब सीटें करेंगे तो पूरे देश में एक माहौल बीजेपी के प्रति जो बना हुआ है, वास्तव में वो सबके सामने खुल जाएगा और लोगों को विश्वास होगा और आदरणीय मोदी जी को भी एक ऊर्जा मिलेगी जब वो दोबारा सरकार में सत्तासीन होंगे, तो निश्चित रूप से भारत को पुनः जो है विश्व गुरु के स्थान पर उसको पहुंचाएंगे और निरंतर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा ए जावा।